गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुक्राफ्ट अकेडमी क्राफ्टिंग यंग माइंड्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेक्चर, अ न्यू टॉपिक और आई कैन से अ न्यू चैप्टर फॉर 8th स्टैंडर्ड ICSE स्टूडेंट्स। ओके, एंड द सब्जेक्ट दैट वी आर गोइंग टू डील इज सिविक्स और वी कैन से द पॉलिटी। एंड टुडे वी आर गोइंग टू आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर नंबर 16 अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक, दैट इज द जुडिशियरी, एंड दिस इज मी प्रेजेंटेड बाय ज़ाहिर सर। ओके, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भाई जुडिशियरी क्या है, ठीक है। लेकिन उससे पहले थोड़ा और अगर मैं प्रीटेक्स्ट में जाऊं, ठीक है, तो भाई ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है यहां पर, क्या है, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। भाई गवर्नमेंट का काम क्या है, भाई देश को चलाना, ठीक है, सॉरी, देश को एडमिनिस्टर करना या ठीक से चलाना, ठीक है, राइट, वो उसका काम है। तो गवर्नमेंट कैसे अपना देश को फंक्शन करता है या एडमिनिस्टर करता है, तो कहेंगे थ्रू इट्स ऑर्गन्स, राइट। और ये ऑर्गन्स नेमली क्या है, तो सबसे पहले अगर हम कहेंगे तो आता है द लेजिस्लेचर, जो हम लोग बखूबी पढ़ चुके हैं, है ना, इसमें लोकसभा, राज्यसभा, फिर उसका कंपोजिशन, राइट, ऑल दिस थिंग्स वी हैव स्टडीड इन द लेजिस्लेचर पार्ट। फिर क्या था, तो कहेंगे एग्जीक्यूटिव पार्ट, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं एग्जीक्यूटिव पार्ट, जिसके अंदर हमारे प्रधानमंत्री थे, प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है, राइट। तो इनके कार्यकाल क्या होता है, इनका टेन्योर क्या होता है, टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है, इनका कहेंगे कि वर्किंग क्या होता है, इनका रोल क्या होता है, वगैरह वगैरह। अब जो थर्ड ऑर्गन है वो है हमारा जुडिशियरी, और ये जुडिशियरी क्या करता है, तो कहेंगे ये हमें जस्टिस देता है, क्या देता है, जस्टिस, ठीक है। जुडिशियरी को हम क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं न्यायपालिका, क्या कहते हैं बेटा, न्यायपालिका। ये क्या करता है, ये न्याय करता है, ठीक है, और जो भी क्राइम होते हैं उनके खिलाफ जो क्रिमिनल्स हैं उनको पनिशमेंट देता है। क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर है बेटा, गिव मी अ थम्स अप। तो हमारा जुडिशियरी क्या करता है, हमारा जुडिशियरी जो है वो न्याय करता है, जस्टिस देता है और क्रिमिनल्स को पनिश करता है, यस, ठीक है, राइट। तो ये चीजें हम लोग जुडिशियरी में पढ़ने वाले हैं। चलिए अब थोड़ा इंटरप्रिटेशन देखते हैं, थोड़ा बहुत हम कहेंगे कि कोर्ट्स के बारे में। यहां पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द कोर्ट, जो हमारे भारत में जो न्यायपालिका है, जो कोर्ट सिस्टम है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। तो क्या लिखा है, लिखा है द जुडिशियरी इंटरप्रेट्स द लॉज फ्रेम्ड बाय द लेजिस्लेचर। ये तो सही है, क्या है कि जो लेजिस्लेचर है ना, लेजिस्लेचर का मतलब नेमली द लोकसभा, द राज्यसभा, और लेजिस्लेचर का ही पार्ट है प्रेसिडेंट, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, राइट। तो लोकसभा और राज्यसभा जो बिल पारित करते हैं, जो बिल पास करते हैं, वो प्रेसिडेंट भाई साहब क्या करते हैं, प्रेसिडेंट साहब जो है उसके ऊपर साइन करते हैं, और फिर वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है लॉ, इस देश का कानून बन जाता है, ठीक है, राइट। तो हमारा जो जुडिशियरी है, हमारा जो कोर्ट है, वो क्या करता है, इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट का मतलब क्या है, इसका मतलब है डेफिनेशन देना, ठीक है, डिफाइन करना, या फिर इसका मीनिंग निकालता है, जो लेजिस्लेचर जो लॉज फ्रेम करते हैं, फ्रेम मतलब क्या होता है, यहां पर बनाया जाता है या बनाना, ठीक है, नॉट दैट बनाना, बट दिस इज हिंदी वाला बनाना, जो फ्रेम किया जाता है, ठीक है, जो बनाया जाता है जो लॉ, राइट, उसको इंटरप्रेट करते हैं, और पनिशेस, और उनको दंड देता है जो क्या करता है, जो ये लॉ को वायलेट करता है, ठीक है, या वायलेट करता है, ये लॉस का उल्लंघन, वायलेट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से उल्लंघन, है ना, मैं थोड़ा बहुत यहां पर हिंदी लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ओके। तो जुडिशियरी क्या करता है भाई, जुडिशियरी सबसे पहले डिफाइन करता है, मीनिंग निकालता है लेजिस्लेचर के द्वारा जो लॉस फ्रेम किए जाते हैं, और ये लॉस को तोड़ने वालों को, ये लॉस को जो उल्लंघन करता है उनको पनिश करता है, ठीक है, राइट। अब देखिए, वी हैव, यहां पे वी का मतलब क्या है, भारत, ओके, यहां पर वी का मतलब है इंडिया, दैट इज
भारत। ओके, तो ये क्या करता है, वी हैव अ सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियरी फॉर द यूनियन एंड द स्टेट्स। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है, पहले तो ये समझना है। इंटीग्रेटेड, ये इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि ज्वाइंट, एक तरीके से मिक्स, या कहेंगे ज्वाइंट। ठीक है, सिंगल यूनिट, राइट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंगल यूनिट, राइट। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक हायरार्की है। अब आपको पता है हायरार्की क्या होता है, गाइस, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हायरार्की? ये जो लिखा है मैंने हायरार्की, इसका मतलब क्या होता है, कोई बताएगा, आप में से कोई बता सकता है हायरार्की का मतलब? नहीं, चलिए कोई नहीं, मैं ही बता देता हूं हायरार्की का मतलब क्या होता है। देखिए, जैसे हम लोग पढ़ते थे कि भाई मुगल सल्तनत के हिसाब से अगर हम देखें तो पहला राजा बाबर आया था, है ना, फिर उसके बाद हुमायूं आया था, है ना, फिर उसके बाद कहेंगे कि अकबर आया था, एंड सो ऑन। तो ये क्या है, एक हायरार्की है। हायरार्की का मतलब क्या है कि भाई इसके नीचे, इसके बाद एंड सो ऑन। ठीक है, तो वैसे ही हमारे जो जुडिशियरी सिस्टम है हमारा, ठीक है, तो वो एक हायरार्की है। हायरार्की कैसा है, तो कहेंगे द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यहां पर एससी लिखता हूं, एससी का मतलब आप लोग समझ लीजिएगा क्या है बेटा, ये सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो सबसे पहले, सबसे ऊपर कहेंगे सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट को ही हम क्या कहते हैं, एपेक्स कोर्ट। क्या कहते हैं बेटा, एपेक्स कोर्ट। अब ये एपेक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि आप लोग ऐसे, पता है ट्राइंगल होता है, तो ट्राइंगल का सबसे टॉप मोस्ट जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, इसको हम कहते हैं एपेक्स। क्या कहते हैं, एपेक्स। ठीक है, राइट। आप थोड़ा हायर स्टडीज में जाएंगे ना, तो आप कैसे है ना, मैथ्स के सम्स आएंगे कि भाई अ ट्रायंगल इज रेस्टिंग ऑन इट्स एपेक्स, तो मतलब इस तरीके से। तो एपेक्स का मतलब होता है ऐसा कॉर्नर, लेकिन कैसे, टॉप मोस्ट कॉर्नर, जो टॉप का पोजिशन है, जो टॉप पोजिशन है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एपेक्स। तो वैसे ही हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, इट इज द एपेक्स कोर्ट। क्या कहते हैं बेटा इसको, इट इज द एपेक्स कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के बाद क्या आता है, तो सुप्रीम कोर्ट के बाद आता है हाई कोर्ट्स। ठीक है, और उनके बाद कहेंगे वेरियस अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं। क्या आते हैं, सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट का मतलब क्या, निचली पालिका, जो लोअर है। सबॉर्डिनेट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से लोअर, है ना, असिस्टेंट कह सकते हैं इसको, राइट, जो असिस्ट करते हैं, या फिर लोअर कोर्ट, राइट। तो ये हमारा हायरार्की है। तो हायरार्की कैसा है बेटा, ये ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में अगर मैं कहूं कि भाई सबसे जो लोअर पोर्शन है वो किसका है, तो कहेंगे सबॉर्डिनेट कोर्ट का है। किसका है, सबॉर्डिनेट। फिर कौन सा है, सेकंड पोजीशन, तो सेकंड पोजीशन किसका है, हाई कोर्ट्स का है। ठीक है, और जो सबसे ऊपर वाला पोजीशन है वो कौन है भाई, सुप्रीम कोर्ट है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, इट इज दी एपेक्स कोर्ट। ओके, क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर है बेटा, गिव मी थम्स अप। ओके ओके, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से यहां पर हम लोग देख सकते हैं। अब देखिए, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में बहुत सारे कोर्ट्स आते हैं, उसको हम बाद में डील करेंगे। ठीक है, राइट। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, वी हैव अ सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियरी फॉर यूनियन एंड द स्टेट्स विद सुप्रीम कोर्ट एज दी एपेक्स कोर्ट। तो अब याद रखिएगा, हमारे पास कितने स्टेट्स हैं, हाउ मेनी स्टेट्स डू वी हैव, हाउ मेनी स्टेट्स डू वी हैव, प्लीज कमेंट, प्लीज कमेंट, हाउ मेनी स्टेट्स। भारत के पास, इंडिया के पास कितने राज्य हैं, कितने स्टेट्स हैं, 28, 29, अरे बाप रे, 29। अच्छा, ठीक है, 29 है। और यूनियन टेरिटरीज कितनी है, यूटीज कितनी है हमारे पास, यूनियन टेरिटरीज 7, अरे बाप रे,
सेवन यूनियन टेरिटरीज है हमारे पास, ठीक है। आज सबका, आज आप सभी का होमवर्क है, द होमवर्क इज कि भाई हमारे भारत में कितने स्टेट्स है और कितनी यूनियन टेरिटरीज है। स्टेट्स लिस्ट आउट नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन यूनियन टेरिटरीज कितनी है इसका मुझे लिस्ट दीजिए। मैं कहता हूं 9 है, आप कहते हैं 7 है, तो भाई गड़बड़ा गया मामला यहां पर, ठीक है। तो गड़बड़ी नहीं करनी है, जरा देखिएगा कि भाई 9 है 7 है या हो सकता है 8 भी हो, राइट। तो आप लोग जरा मुझे है ना इसके बारे में थोड़ा एनलाइटन करिएगा, ठीक है, थोड़ा प्रकाश डालिएगा इसके ऊपर कि भाई कितने हमारे पास यूनियन टेरिटरीज है। अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक, क्या है बोला है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बोला गया है कि भाई ईच स्टेट शैल हैव इट्स ओन हाई कोर्ट, ठीक है, हर एक स्टेट के पास अपना एक हाई कोर्ट हो सकता है, लेकिन कहा गया है टू और मोर स्टेट्स कैन हैव अ कॉमन हाई कोर्ट, ओके, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि भाई चलो हमारे पास मान लिया कि 29 स्टेट्स है, लेकिन हमारे पास मैं कहता हूं 25 ही हाई कोर्ट्स है, ओके। तो क्यों है ऐसा? तो जस्ट बिकॉज कि भाई क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि टू और मोर स्टेट्स कैन हैव अ कॉमन हाई कोर्ट, ओके, ठीक है, दैट इज वाई क्या है 25 हाई कोर्ट्स है। अब आपका और एक होमवर्क है, और एक होमवर्क क्या है कि भाई भारत के कौन से कॉमन हाई कोर्ट्स है जरा बताइए, ठीक है, और कौन से स्टेट्स इसको शेयर करते हैं, ये हाई कोर्ट्स को शेयर करते हैं। जैसे मैं अगर एक एग्जाम्पल दूं तो एग्जाम्पल है पंजाब और हरियाणा, ठीक है, ये दोनों स्टेट्स हैं भारत के, लेकिन इनके पास क्या है, एक कॉमन हाई कोर्ट है, ओके, आ रहा है समझ में? यस। व्हाई कॉमन हाई कोर्ट्स? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है बेटा कि भाई इफ पॉसिबल, क्योंकि हाई कोर्ट में काम बहुत होता है, अब ये छोटे छोटे स्टेट्स हैं, तो भाई दोनों स्टेट्स को यहां पर मर्ज कर दिया गया है और इनका एक कॉमन हाई कोर्ट कर दिया है, राइट। तो ऐसा भी हो सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है द सुप्रीम कोर्ट इज एट द हेड ऑफ दिस जुडिशियल सिस्टम, सही है, क्या है भाई, एपेक्स कोर्ट है ना, तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, वो हेड है, ठीक है, वो हेड है कौन सा, हमारे न्यायपालिका, जो जुडिशियल सिस्टम है, जो हमारा न्यायपालिका वाला सिस्टम है उसमें क्या है, वो सबसे ऊपर पोजीशन पे है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एपेक्स कोर्ट, राइट। बिलो द सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्ट द हाई कोर्ट्स ऑफ वेरियस स्टेट्स, ये याद रखिएगा। देखो यहां पर क्या है, यहां पर प्लूरल फॉर्म यूज किया गया है, थोड़ा बहुत इंग्लिश आपको पता होगा, सिंगुलर प्लूरल, तो हाई कोर्ट्स है किसके, वेरियस स्टेट्स के, है ना, राइट। अब देखिए क्या लिखा है, लिखा है अंडर ईच हाई कोर्ट देर आर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और वी कैन से द अदर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, दिस सबॉर्डिनेट कोर्ट्स like district courts and high courts are all controlled by the Supreme Court, okay? तो ध्यान रखिएगा, Supreme Court क्या करता है, अपने नीचे आने वाले जितने भी हाई कोर्ट्स है उनका देखरेख करता है, उनका सुपरिंटेंडेंस करता है, ठीक है, और द सेम हाई कोर्ट्स क्या करते हैं, हाई कोर्ट्स अपने अंडर आने वाले जितने भी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स है उनकी देखरेख करते हैं, ठीक है। तो हो गया सिंगल इंटीग्रेटेड, है ना, सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, ओके। देर आर नो सेपरेट लॉज, वन सिंगल क्रिमिनल एंड सिविल सिस्टम ऑपरेट्स थ्रू आउट द कंट्री। अच्छा, अब जब क्रिमिनल और सिविल आ ही गया है तो मैं आपको बता देता हूं कि भाई अब ये लोग केसेस हैंडल करते हैं, ठीक है, तो केसेस दो तरीके के होते हैं, एक होता है जिनका कोई क्रिमिनल नेचर होता है और दूसरा होता है जिनका सिविल नेचर होता है। क्रिमिनल नेचर का मतलब क्या है, जो क्राइम से रिलेटेड है, लाइक मर्डर, थेफ्ट वगैरह वगैरह,
ठीक है, जो क्राइम, जहां क्राइम इन्वॉल्व हुआ हो, तो वैसे कौन से कोर्ट्स हैं, तो उसको कहते हैं क्रिमिनल कोर्ट। सिविल कोर्ट्स क्या है, तो सिविल कोर्ट्स कहेंगे कि छोटी मोटी जो लड़ाई होती है, जो मतलब डिवोर्स का है, या फिर लेट अस से कि प्रॉपर्टी के लिए कोई झगड़ा चल रहा है, या फिर लेट अस से कि कोई यू नो किसी का हक मतलब नहीं मिल रहा, तो उस केसेस को, वो नेचर के केसेस को हम क्या कहते हैं, सिविल नेचर के कोर्ट्स होते हैं। ओके ठीक है, क्लियर है, इतना क्लियर है बेटा, गिव मी अ थम्स अप, इतना क्लियर है। सिविल और क्रिमिनल क्या होता है, राइट? सिविल नेचर कहेंगे जो घरेलू मामले हैं, घरेलू हिंसा, या लेट अस से कि भाई प्रॉपर्टी, डिवोर्स, ठीक है, ये सारे सिविल केसेस में आते हैं। क्रिमिनल केसेस में रेप हो गया, मर्डर हो गया, चोरी हो गई, डकैती हो गई, एंड ऑल दैट, तो ये क्या है, ये क्रिमिनल नेचर के कोर्ट्स है, राइट? ठीक है, तो ऐसे क्रिमिनल और सिविल सिस्टम भी हमारे कंट्री में काम करता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन जुडिशियरी। भाई भारत की न्यायपालिका जो सिस्टम है, जो जुडिशियल सिस्टम है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको पता ही है कि भाई सुप्रीम कोर्ट है, एंड उनके बाद हाई कोर्ट्स है, और उनके बाद सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, और वी कैन से लोअर कोर्ट्स। अब लोअर कोर्ट्स दोनों होते हैं, देखो सिविल भी होता है और क्रिमिनल भी होता है, ठीक है। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट, ये याद रखिएगा, ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई स्टेट है, तो स्टेट को हम लोग किस में डिवाइड करते हैं, स्टेट को डिवाइड करते हैं हम लोग डिस्ट्रिक्ट में, है ना? तो हर एक डिस्ट्रिक्ट, ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट इज हैविंग कोर्ट, राइट? जैसे कि डिस्ट्रिक्ट जजेस कोर्ट, जिसको हम सिविल कोर्ट कहते हैं, तो यहां पर है, और एक आता है सेशंस कोर्ट, जो बखूबी कहां पर होता है, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो ये कैसा कोर्ट है, सेशंस कोर्ट का मतलब समझ जानेगा, जब कभी भी सेशंस कोर्ट आए ना, मतलब वो क्या हैंडल करेगा, वो हैंडल करेगा क्रिमिनल केसेस। कैसे केसेस, जो क्राइम से इन्वॉल्व हो, वैसे केसेस वो हैंडल करेगा, और सिविल केसेस तो भाई वो कौन करेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज जो है, ठीक है, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में डीजे लिखता हूं, तो भाई डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो सिविल केसेस को हैंडल करेंगे, राइट? अब देखिए इनके अंदर कौन आता है, तो कोर्ट ऑफ सिविल जज एंड कोर्ट ऑफ सिविल जज, लेकिन दोनों में क्या है, सीनियर और जूनियर, मतलब हो सकता है इस तरीके से इनका डिविजन हो। फिर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट एंड फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स, तो ये क्या है, अगेन लोअर एंड हायर, सीनियर या जूनियर के हिसाब से इनका डिविजन है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम पढ़ेंगे, और वो क्या है, द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सबसे पहले इसी कोर्ट के बारे में हम लोग जानेंगे, राइट? तो देखो क्या लिखा है, लिखा है द सुप्रीम कोर्ट इज द हाइएस्ट कोर्ट ऑफ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम, ठीक है, राइट? तो ये बखूबी आपको बता चुका हूं मैं कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट है, इनको हम एपेक्स कोर्ट भी कहते हैं, राइट? तो ये क्या है, एक तरीके से इट इज द हाइएस्ट कोर्ट, है ना, ये हाइएस्ट कोर्ट है, ओके? जो भी हमारा जुडिशियल सिस्टम है, जो भी हमारा जो जुडिशियरी का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, राइट? तो उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या है, सबसे हाईएस्ट है, सबसे ऊपर, राइट? सबसे सीनियर मोस्ट कोर्ट है, इसके ऊपर कोई नहीं आता, इसके ऊपर अगर आते हैं तो कौन आते हैं, हमारे प्रेसिडेंट आते हैं, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना, आपको याद होगा ये, इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट? ठीक है, तो इनके ऊपर प्रेसिडेंट आते हैं, तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट कोर्ट है हमारे इंडियन जुडिशियल स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है, लिखा है इट हैज द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड टू सॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो तीन चीजें हैं, सबसे पहला चीज क्या है, तो भाई इंटरप्रिटेशन, ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द
कॉन्स्टिट्यूशन, ये सबसे पहला। सेकंड क्या है तो कहेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ठीक है और जो स्टेट गवर्नमेंट है इनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है ठीक है तो ये डिस्प्यूट सॉल्व करेगा कौन करेगा, हमारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। और हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं ठीक है राइट ये अगर हमसे छीने जाते हैं तो हमारे प्रोटेक्टर की तरह राइट हमारे गार्डियन की तरह कौन है यहां पर, सुप्रीम कोर्ट राइट ठीक है। तो दिस सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो नोन एज द गार्जियन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स और वी कैन से द गार्डियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। ओके ठीक है तो सुप्रीम कोर्ट को गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है या लेट अस से गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है ठीक है। अब देखिए हम इनके बारे में ये जितने भी मैंने टॉपिक्स लिखे हैं ना इनके बारे में हम थोड़ा बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको पता है कि हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स डू वी एंजॉय, किसको पता है, आप में से किसी को पता है बेटा हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स डू वी एंजॉय एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, नहीं पता होगा है ना ठीक है। मैं इसको एक यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह लेके चलता हूं कि आपके लेवल पे शायद आपको नहीं पता होगा। तो भाई आज का होमवर्क लिखिए, होमवर्क क्या है, आपको फंडामेंटल राइट्स जो भी फंडामेंटल राइट्स है ना उसका लिस्ट बनाना है और मुझे भेजना है ठीक है राइट। तो ये आपका काम है, होमवर्क क्लियर है, होमवर्क क्लियर है सबको बेटा राइट। हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स है राइट, कोई कहेगा अच्छा कितने फंडामेंटल राइट्स है, नंबर पता है आपको 6, 7, 11, 15 हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स डू वी एंजॉय, आप बोलेंगे तो मुझे सुनाई नहीं देगा, यू हैव टू कमेंट। 6 फंडामेंटल राइट्स ओके क्रिश, नैंसी 7 कह रही है ओके ओके ओके, और कोई ठीक है चलिए कोई नहीं, आप लोग देखिएगा कि भाई 6 है या 7 है या 11 है कितने हैं, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स डू वी एंजॉय एंड व्हाट आर दे ठीक है, और ये कौन से हैं राइट ये भी आपको बताना है ओके ठीक है, व्हाट आर दे ओके, इसको लिस्ट करना है, एनलिस्ट देम, एनलिस्ट द फंडामेंटल राइट्स दैट वी हैव ओके ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा ये एक फोटो है, ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है हमारे सुप्रीम कोर्ट का, और ये सुप्रीम कोर्ट कहां पर है सिचुएटेड, कहां पर है लोकेटेड, तो कहेंगे दिल्ली में ठीक है। तो भाई दिल्ली में इनका लोकेशन है, हमारा कुछ सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से दिखता है, ये थोड़ा इमेज ब्लर है लेकिन यहां पर हमारा नेशनल फ्लैग भी है आप देख सकते हैं ओके ठीक है। तो ये हमारा सुप्रीम कोर्ट है। अब आते हैं कंपोजिशन की तरफ ठीक है, तो कंपोजिशन क्या क्या है, तो देखिए कंपोजिशन क्या होगा, कंपोजिशन का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन बैठता है, तो सुप्रीम कोर्ट में सारे जजेस बैठते हैं, कौन बैठता है सारे जजेस ठीक है, और प्रेजेंट इनका नंबर क्या है, इनका प्रेजेंट नंबर है 31, क्या है इनका प्रेजेंट नंबर जो है 31 जजेस है, हाउ मेनी जजेस आर देयर 31 जजेस, लेकिन ये जो 31 जजेस है उनमें से कहेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनको हम क्या कहते हैं CJI दैट इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कौन है बेटा तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI कहते हैं, और बाकी के कौन है तो बाकी के अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ठीक है राइट। स्ट्रक्चर मालूम पड़ा सबको, स्ट्रक्चर मालूम पड़ा कि भाई हमारे सुप्रीम कोर्ट में 31 जजेस है जिनमें से
जो सबसे मेन जज है उनको हम क्या कहते हैं, CJI, दैट इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और बाकी के कौन है, अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, अब नेक्स्ट कहा गया है कि इनमें से कैसे इनका अपॉइंटमेंट होता है। तो देखिए, इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो कहेंगे हमारे प्रेसिडेंट साहब। हमारे प्रेसिडेंट साहब क्या करते हैं, तो कहेंगे ही अपॉइंट्स द CJI। किसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट साहब, तो कहेंगे CJI को अपॉइंट करते हैं, ठीक है, राइट। और इसके बाद CJI का जब अपॉइंटमेंट हो जाता है तो प्रेसिडेंट साहब और CJI मिलकर क्या करते हैं, अदर जजेस को अपॉइंट करते हैं। क्या करते हैं, अदर जजेस को अपॉइंट करते हैं, राइट। अब देखो, ये 31 जजेस हैं, तो 31 जजेस में से ही कौन बनता है, CJI बनता है। तो भाई CJI बनने के लिए क्या चाहिए, कोई पर्टिकुलर कहेंगे कि क्वालिफिकेशन चाहिए, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। जनरली क्या होता है कि एक प्रथा चली आ रही है, एक कल्चर चला आ रहा है, जो क्या है कि जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होते हैं, जो सबसे सीनियर मोस्ट जज एज वाइज, उम्र में जो सबसे एजेड होते हैं, ठीक है, जो सबसे एल्डर होते हैं, या लेट अस से जो सबसे सीनियर मोस्ट होते हैं, उनको ही CJI बनाया जाता है, ठीक है। ही इज अपॉइंटेड एज द CJI, ओके, दैट इज द चीफ जस्टिस। जैसे आपको नाम मालूम पड़ गया, चीफ, चीफ का मतलब क्या होता है, एक तरीके से मेन, है ना, इंपॉर्टेंट, या लेट अस से मेन, राइट। तो मेन जज वो कैसे बनते हैं, तो कहेंगे कि भाई जनरली जो 31 जजेस हैं उनमें से जो सीनियर मोस्ट जज है, ठीक है, एज वाइज, अकॉर्डिंग टू एज, उनको क्या बनाया जाता है, उनको बनाया जाता है CJI, राइट, ठीक है। और ऐसे चलते जाता है। अब देखिए क्या लिखा है, लिखा है द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड नॉट मोर देन 30 अदर जजेस। याद रखिएगा, मैंने क्या कहा, मैंने कहा 31, तो यहां पर भी 31 ही तो है, इंक्लूडिंग व्हाट, इंक्लूडिंग CJI एंड अदर 30 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यही तो है ना, तो 31 हो गया ना। तो प्रेजेंट नंबर कितना है, 31 है। ये टाइम के हिसाब से बढ़ता जाता है, ठीक है, जैसा वर्कलोड है वैसे हम CJI का नंबर बदल, सॉरी, जजेस का नंबर इंक्रीज करते जाते हैं। और ये जजेस का नंबर इंक्रीज करने का पावर कहेंगे पार्लियामेंट के पास है, ओके, ठीक है, राइट। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है, द जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको अपॉइंट कौन करता है, तो उनको अपॉइंट कौन करता है, तो कहेंगे हमारे प्रेसिडेंट साहब। हमारे प्रेसिडेंट साहब क्या करते हैं, तो कहेंगे द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एंड मैं यहां पर ऐड कर दूं तो कहेंगे हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं इनको अपॉइंट कौन करता है, इनको अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब, ठीक है। व्हेन द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ जज अदर देन अ चीफ जस्टिस, ही ऑलवेज कंसल्ट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, कहा ना कि प्रेसिडेंट साहब जब CJI को अपॉइंट कर देते हैं, उसके बाद जो 30 अदर जजेस हैं, जब उनका अपॉइंटमेंट की बारी आती है, तो प्रेसिडेंट किसको कंसल्ट करते हैं, ही कंसल्ट्स, मतलब एक तरीके से कहेंगे एडवाइस लेना, सलाह मशवरा लेना। किससे सलाह मशवरा करते हैं, तो CJI से करते हैं। और फिर प्रेसिडेंट क्या करते हैं, वो अदर 30 जजेस को भी अपॉइंट करते हैं टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब क्या लिखा है, लिखा है द क्राइटेरिया या क्राइटेरियन, ठीक है, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस इज ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी, ठीक है। जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होते हैं, ठीक है, मैंने कहा ना कि
सीनियोरिटी का मतलब एक तरीके से आप क्या ले लीजिए, एज ले लीजिए। तो एज वाइज जब बात आती है तब क्या होता है कि भाई प्रेसिडेंट क्या करते हैं कि सीनियोरिटी जो सबसे सीनियर मोस्ट या लेटर से सबसे एल्डर जो जज होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं एज द चीफ जस्टिस। जस्टिस में सबसे चीफ है ना, उसको चीफ जस्टिस कहते हैं, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये कौन है, CJI। याद रहेगा बेटा, इतना याद रहेगा, गिव मी थम्स अप। समझ में आया, आया सबको समझ में? यस, ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट जो है क्वालिफिकेशन। अब क्वालिफिकेशन तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, क्या लिखा है, सबसे पहले तो हम पाकिस्तानियों को तो नहीं बनाते है ना सुप्रीम कोर्ट के जज। तो क्या लिखा है, बोला है कि अगर आपको जज बनना है किसका, सुप्रीम कोर्ट का, तो आपके पास कुछ बेसिक क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। और ये क्वालिफिकेशंस क्या है, तो कहेंगे सबसे पहले तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए, है ना। आप क्या होने चाहिए बेटा, यू मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक होने चाहिए, तब जाकर आपको सुप्रीम कोर्ट में जगह मिलेगी। ठीक है, ये तो बेसिक है, ये तो हमने लोकसभा में भी देखा था, राज्यसभा में भी देखा था, फिर हम कहेंगे प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट में भी देखा था। तो ये सभी में कॉमन है कि अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बोला है कि ऐसे ही आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ सकते, आपके पास कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एक्सपीरियंस कहां से आता है, नीचे से आता है, हाई कोर्ट से आता है। तो कहा है कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो आपको कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितने साल का, 5 साल का। बोलेंगे मिनिमम 5 साल तो आप पहले जज बन सकते हैं। कहां पर जज बन के आना है, हाई कोर्ट में जज बन के आना है। ठीक है, राइट, तो आप पहले जज बनिए, ओके ठीक है, कहां पर, हाई कोर्ट में। और ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक स्टेट का हाई कोर्ट के लिए आपको 5 साल, नहीं, बहुत सारे स्टेट्स, इनके तो तबादले होते रहते हैं, तबादले समझते हैं आप लोग, इनका क्या कहते हैं उसको, ट्रांसफर कहते हैं ना, तो इनके ट्रांसफर तो होते रहते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट, है ना। तो लेकिन क्या कहा है, बोले भले ही स्टेट अलग अलग हो लेकिन आप मिनिमम 5 साल, 5 years यू हैव टू सर्व, यू शुड हैव एन एक्सपीरियंस एज अ जज ऑफ व्हाट, एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। राइट, क्लियर हुआ बेटा, क्लियर हुआ इतना गाइस? यस, ओके ओके ठीक है। अब देखिए अब क्या लिखा है, बोले अगर, चलो हो सकता है कि आप जज नहीं होंगे, जाने दीजिए, तो क्या आया, और ही शुड हैव वर्क्ड एज एन एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 years। क्या बोला है, बोला है सुप्रीम कोर्ट जाना है, आपके पास दो ऑप्शन है, आप हाई कोर्ट का जज बनिए कितने साल तक, 5 years तक, या फिर हाई कोर्ट में ही आप प्रैक्टिस कीजिए एडवोकेट कितने साल तक, 10 साल तक। तो हो सकता है कि आपको प्रेसिडेंट क्या बना दे, सुप्रीम कोर्ट का जज बना दे। ठीक है, नाउ एक बेसिक डिफरेंस है ना, जज और एडवोकेट, ये कौन है, ये वकील है ना, आपको पता होगा ये कौन है। एडवोकेट का मतलब एक तरीके से क्या होता है, वकील होता है ना। देखो ये कुर्सी में बैठने वाला कौन होता है, जज होता है, और ये जो माय लॉर्ड करता है ना, मिलॉर्ड है ना, आपको मिलॉर्ड, सो दैट इज माय लॉर्ड, ओके माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट को धोखा दिया जा रहा है वगैरह वगैरह। तो आपने बखूबी वो जॉली LLB देखा होगा, है ना, आपने देखा है वो जॉली LLB, राइट, ऐसा कोई मूवी है, राइट, ठीक है। तो भाई ये जो जॉली LLB जो अक्षय कुमार होता है, ठीक है, वो क्या होता है, अक्षय कुमार,
तो अक्षय कुमार कहेंगे एडवोकेट भाई साहब होते हैं। कौन होते हैं? एडवोकेट भाई साहब। और यहां पर जो बैठे होते हैं बड़े बड़े एकदम मोटे से जाड़िए से चश्मे वाले भाई साहब है ना, जिनका सब मजाक उड़ाते हैं राइट, वो कौन होते हैं? वो जज होते हैं। लेकिन ये तो कहाँ का है? ये तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात, वो पिक्चर में तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है राइट, लेकिन अगर हम यहां पर बात करें तो हाई कोर्ट में भी ऐसे कुछ होता होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि भाई या तो आप जज बनिए 5 साल के लिए, कहां पर? हाई कोर्ट में, या तो फिर आप एडवोकेट रहिए हाई कोर्ट में 10 साल के लिए। तो ये एक तरीके से क्या है, ये एक तरीके से आपको एक्सपीरियंस मांगता है ना। जैसे जैसे है ना, मैं अपना इंटरव्यू देने गया था आपके स्कूल में, तो मुझसे पूछा गया था कि भाई आपका एक्सपीरियंस क्या है राइट। तो मैंने कहा सर मेरा तो ऐसे स्कूल में पढ़ाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो बस ड्यू टू द लैक ऑफ एक्सपीरियंस आई वॉज रिजेक्टेड। ठीक है राइट, तो ये चीजें होती है, तो एक तरीके से एक्सपीरियंस ही मान लीजिए आप, है ना। चलिए अब नेक्स्ट, और बोले चलो ये सब भी नहीं है जाने दो, और ही मस्ट बी अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बोला है कि चलो ठीक है ये सब नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब प्रेसिडेंट आपके बारे में किसी से ओपिनियन ले, क्या ले? ओपिनियन, सलाह मशवरा करे, तो वो ओपिनियन में आपके बारे में कुछ पॉजिटिव चीजें आनी चाहिए। आप क्या होने चाहिए? डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होने चाहिए, है ना। तो जैसे कि मैंने कहा ना कि स्कूल में गया था तो कहा कि भाई साहब आपके पास तो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि आप दूसरे टीचर से पूछ सकते हैं कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ राइट, थोड़ा बहुत अच्छा ही पढ़ा लेता हूँ राइट। ठीक है, तो उसको कहते हैं ओपिनियन। मैंने जब कहा ना कि आप पूछ लीजिए किसी से भी, रिपोर्ट अच्छा मिलेगा मेरा, तो क्या हो गया? एक तरीके से डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट या डिस्टिंग्विश्ड टीचर इन माय केस। आया समझ में? अभी आया समझ में? यस ओके, क्वालिफिकेशन समझ में आ गया ना राइट। तो ओपिनियन, जब प्रेसिडेंट साहब जब ओपिनियन लेंगे किसी से कि भाई बताइए जरा कैसे है ये भाई साहब, अच्छे है या नहीं, तो उनके ओपिनियन पे डिपेंड करता है राइट। ठीक है, तो वैसे ही यहां पर भी इस तरीके से होता है। चलिए, तो क्वालिफिकेशंस क्लियर। अब आते हैं टर्म ऑफ ऑफिस। ठीक है, टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है? तो सबसे पहले तो क्या होता है, देखो अभी आप जज बन गए, पहले आप हाई कोर्ट में थे, हाई कोर्ट में एडवोकेट थे, लेट अस से आप एडवोकेट थे, कितने साल के लिए? मिनिमम, ये मिनिमम है ओके, मिनिमम है, हर किसी को मौका नहीं मिलता बेटा 30 जजेस में आने का या 31 जजेस में आने का मौका नहीं मिलता है ना, तो ये मिनिमम है। या फिर आप जज रहिए, चलिए ठीक है, कितने साल तक? 5 साल तक। या फिर आप एक अच्छे डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होने चाहिए। अगर ये सब चीजें हैं, फिर प्रेसिडेंट क्या करेंगे? प्रेसिडेंट आपको अपॉइंट कर देंगे। कहां पर अपॉइंट करेंगे आपको? आपको अपॉइंट करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, कि भाई साहब आइए ऊपर, अब जरा सेवा दीजिए, आपकी देश को सेवा की जरूरत है आपकी। तो भाई सुप्रीम कोर्ट में आ गए। अब जब सुप्रीम कोर्ट में आ गया तो मैं कितने साल तक, व्हाट इज माय टर्म? ठीक है राइट, टर्म का मतलब एक तरीके से टेन्योर, कार्यकाल है ना। देखो मैं हिंदी में लिखू ना अगर, तो लिख सकता हूं कार्यकाल। कार्यकाल क्या होता है? तो कहेंगे वर्किंग टाइम। बोले कितने साल तक, कितने समय तक मैं जज बन के रह सकता हूं? तो कहा है कि भाई यहां पर मैक्सिमम जो एज है, अब देखो यहां पर टाइम नहीं है, यहां पर क्या है, मैक्सिमम एज कितनी है? 65 years। ठीक है, 65 years तक, जब तक आप 65 साल के नहीं हो जाते तब तक आप सुप्रीम कोर्ट में क्या बन के रहेंगे? आप बन के रहेंगे जज। अब लेट अस से फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, दैट इज मी जहीर। अब जहीर फॉर एग्जाम्पल 58 years का था और उसको बना दिया गया जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। तो अब जहीर कितने साल पे रिटायर होगा बेटा? जहीर कितने साल पे रिटायर होगा? कमेंट करो, आई कांट हियर यू, आई कांट हियर यू, कमेंट करो। 58 रिटायरमेंट एज है 65।
सात सात साल तक, ठीक है? तो भाई यहां पर 7 years। अब लेट अस से फॉर एन एग्जाम्पल अनदर जज क्रिश, ही इज ऑफ 62 years, ठीक है? और फिर उनको बुला लिया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो भाई इनका कार्यकाल कितना रहेगा? 3 years। 3 years, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है? तो क्लियर हो गया, क्लियर हुआ, इतना क्लियर हो गया, ठीक यस है? सर। यस यस बेटा, क्लियर है ना? चलिए अब देखो, मैंने जहां पढ़ा है वहां पर क्या है पता है? वहां पर है आइदर इदर आइदर अ मैक्सिमम एज ऑफ 65 years और मैक्सिमम 5 years, ठीक है? या तो मैक्सिमम 5 साल या तो 65 years, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ 65 years लिखा है, तो लेट अस कॉन्सेंट्रेट हियर, आप 65 years ही लिखिएगा। ओके, अब आते हैं दूसरा चीज। बोले चलो इनका अपॉइंटमेंट हो गया, इनका हमने टर्म जान लिया, टेन्योर जान लिया, कार्यकाल जान लिया, अब जरा बताइए कि इनको बीच में अगर रिजाइन करना है, अपना इस्तीफा देना है, क्या कहते हैं इसको? आपने सुना होगा है ना, क्या है ये? इस्तीफा। तो इस्तीफा देना है तो इस्तीफा किसको देंगे? तो कहेंगे हमारे प्रेसिडेंट साहब को देंगे ये इस्तीफा। अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे? तो अपने प्रेसिडेंट साहब को देंगे, ठीक है? तो यही लिखा है, लिखा है अ जज मे ऑल्सो रिजाइन बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट, ठीक है? अब क्या लिखा है? बोले चलो अभी तो इस्तीफा दे दिया, अब हमें निकालना है इनको, है ना? और आपको पता है कि निकालने वाला जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं? इंपीचमेंट। तो इनका इंपीचमेंट, ठीक है, कैसे होगा? इनको निकालेगा कौन? तो इनको निकालेगा हमारा पार्लियामेंट। कौन निकालेगा? हमारा पार्लियामेंट निकालेगा, ठीक है? राइट, तो यही चीज है। कितनी मेजोरिटी से? दोनों हाउसेस की 2/3 मेजोरिटी से, राइट? तो 2/3 मेजोरिटी से जब हम इनको निकालना चाहेंगे तो पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव, प्रस्ताव का मतलब क्या होता है? प्रस्ताव का मतलब होता है एक रेजोल्यूशन लाया जाएगा, और रेजोल्यूशन फॉर इंपीचमेंट, और रेजोल्यूशन फॉर इंपीचमेंट। ये रेजोल्यूशन क्या होता है आपको पता है? रेजोल्यूशन क्या होता है, प्रस्ताव क्या होता है, किसी को पता है बेटा? से यस और नो, प्रस्ताव रेजोल्यूशन क्या है? ओके ओके, पता है, ठीक है ना? तो भाई एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा, एक रेजोल्यूशन पारित किया जाएगा फॉर द इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, और फिर पार्लियामेंट से 2/3 मेजोरिटी से वो प्रपोजल पास होना चाहिए, और उसके बाद वो जज का इंपीचमेंट हो जाएगा, मतलब उनका रिमूवल हो जाएगा, वो निकाले जाएंगे, ठीक है? चलिए अब देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है ही मे ऑल्सो बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड्स, किस इल्जाम पे? प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी। अ प्रपोजल फॉर द इंपीचमेंट हैज टू बी पास्ड बाय 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी इम्पीच्ड ओनली आफ्टर प्रेजिडेंट गिव्स एन ऑर्डर फॉर हिज इम्पीचमेंट, मीनिंग रिमूवल। क्लियर है यहां तक? गिव मी अ थम्स अप। क्लियर है? यस क्लियर है ना बेटा यहां तक? ओके ओके, ठीक है, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये नेक्स्ट टॉपिक मैं बाद में कराऊंगा, ठीक है? ये थोड़ा बहुत समझने वाला बात है, इसमें मुझे और 5-10 मिनट्स लगेगा, तो बेहतर है कि भी मैं नेक्स्ट क्लास में इसको समझाऊं। इसको क्या कहते हैं? ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्यूरिसडिक्शन। ओके ठीक है, तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके ठीक है, चलिए।